आज हम बात करेंगे एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस की. व्हाट इज एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस एंड हाउ इट इज डन. ठीक है, तो हम शुरू करेंगे. इसका मतलब पहले समझते हैं क्या होता है. जब भी किसी को कोई बिजनेस करना होता है या कोई नया काम करना होता है तो उसके लिए एक प्रोसेस होता है फॉलो करने के लिए. तो वो प्रोसेस को हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस. ठीक है, शुरुआत कहाँ से होती है इसकी? शुरुआत होती है इसकी नंबर वन डिस्कवरी से. डिस्कवरी का मतलब क्या है आपका? यू हैव सम आइडिया और यू हैव थॉट ऑफ एन आइडिया. उसको आप क्या करना चाहते हैं, कोई बिजनेस करना चाहते हैं उस आइडिया के हिसाब से, या फिर उसको इम्प्लीमेंट करके प्रॉफिट कमाना चाहते हैं. तो पहले आपको कुछ सोचना होगा, कुछ डिस्कवर करना होगा. इट इज़ कॉल्ड आइडिया और डिस्कवरी. चलेंगे सेकेंड पार्ट पे, डेवलपिंग अ बिजनेस प्लान. आइडिया होने से कुछ नहीं होता, आइडिया सबके पास है. आप लोगों के पास भी काफ़ी आइडिया होंगे, लेकिन उन आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करना या उनको कैसे इम्प्लीमेंट करना है उसके बारे में सोचना, उसके बारे में एक प्लान बनाना, यह है आपका सेकंड प्रोसेस, डेवलपिंग अ बिजनेस प्लान. फिर है थर्ड आपका रिसोर्सिंग. कि प्लानिंग तो हमने कर ली, लेकिन अब पैसा कहाँ से आएगा, मनी कहाँ से आएगी, मैन मटेरियल मशीनरी मनी कहाँ से कलेक्ट करेंगे, वो आएगा रिसोर्सिंग के अंदर. फिर सब कुछ कर लिया, सब इकट्ठा कर लिया, कलेक्ट कर लिया, लेकिन अब उसको मैनेज कैसे करना है, कैसे उनमें कोऑर्डिनेशन लेके आना है, हारमोनी लेके आनी है, कैसे उनका बेस्ट यूज़ करना है ना, ये किसमें आएगा आपका मैनेजिंग कंपनी में. और लास्ट है आपका हार्वेस्टिंग. हार्वेस्टिंग का मतलब क्या है, आपके जो एफर्ट थे आपने उससे क्या हुआ आपका, अब उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है, तो आपको प्रॉफिट मिल रहा है बिजनेस के अंदर, तो उसको प्रॉफिट को कलेक्ट करना और फिर दोबारा से बिजनेस को शुरू करना. तो मैंने आपको ये ब्रीफ में बताया है. अब हम चलेंगे वन बाई वन. पहले हम आएंगे डेफिनेशन पे, फिर हम आगे चलेंगे इनको वन बाई वन सबको पढ़ेंगे. व्हाट इज एन एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस या एंटरप्रेन्योरशिप भी क्या होती है, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं. ठीक है, ये डेफिनेशन आपके सामने. द एंटरप्रेन्योर इज अ चेंज एजेंट. सबसे पहली बात यही है, ही इज अ चेंज एजेंट. जो अभी है उससे वो संतुष्ट नहीं है. ही इज नॉट सेटिस्फाइड विद व्हाट इज एट प्रेजेंट. He is going to make some changes. ठीक है, तो क्या है वो, He is a change agent. आगे चलेंगे उसके बाद. That acts as industrialist. क्या है आपका वो, He is an industrialist and undertakes the risk. ये important बात आ गई second इसके बाद. क्या है वो, कुछ ना कुछ काम करता है, कुछ उद्यम करता है, कुछ industries काम करता है, कुछ labor करता है. ठीक है, और सबसे बड़ी बात जो important है वो है, He undertakes the risk. रिस्क का मतलब क्या हो गया आपका, रिस्क इज़ द प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस. आप कोई भी काम करने जा रहे हैं उसमें रिस्क है. आप रोड पे ट्रैवल करते हैं, एक्सीडेंट का रिस्क है. आप खाना खाते हैं, फूड पॉइजनिंग का रिस्क है ना. आप पढ़ते हैं, फेल होने का रिस्क है. तो आप कुछ भी काम करेंगे रिस्क आएगा. ऐसे ही आप बिजनेस करेंगे तो लॉस हो सकता है आपका, तो वो रिस्क है. वो रिस्क जो लेगा वो कहलाएगा आपका एंटरप्रेन्योर. ठीक है, उसके बाद हम जो बात करेंगे, It is done for commercial use. नीचे वाली लाइन है ना. हम क्या करना चाहते हैं उसका, कुछ ये नहीं कि अपने लिए कर रहे हैं. इफ़ वी आर डूइंग इट फॉर आवर सेल्फ इट इज़ नॉट एंटरप्रेन्योरशिप. इफ़ वी आर डूइंग फॉर सोसाइटी ऑन अ बिग बेसिस दैन इट इज एन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस. ठीक है, अब लास्ट बात करते हैं इसके अंदर क्या है आज का. ही हैज सम फोरसाइट, जो ज़्यादा ज़रूरी है आखिरी. अगर आपके पास फोरसाइट है किसी भी सब्जेक्ट को लेकर, किसी भी बिजनेस को लेकर, किसी भी आइडिया को लेकर, यू कैन क्लैरिफाई और यू हैव सम विजन अबाउट द फ्यूचर. ठीक है, आप फ्यूचर को अभी से सोच सकते हैं, उसके लिए प्लानिंग कर सकते हैं, तो ये कहलाएगी फोरसाइट आपकी. तो एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर ये क्वालिटी भी होनी चाहिए. तो एक बार सबको दोबारा देख लेते हैं क्या क्या था इसके अंदर. नंबर वन, ही इज अ चेंज एजेंट, वो चेंज करता है. उसके बाद इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो फ्री में काम नहीं करता, बैठे बैठे काम नहीं करता, कुछ मेहनत करनी पड़ती है. अंडरटेक्स द रिस्क, रिस्क लेता है. और लास्ट में क्या है वो, उसका कमर्शियल यूज़ करता है विद अ फोरसाइट इन माइंड. कुछ ना कुछ उसके पास भविष्य के बारे में, फ्यूचर के बारे में प्लान है, उसी के बारे में का वो यूज़ करेगा. और क्या प्रोवाइड करेगा आपको, गुड्स एंड सर्विसेज. या तो कुछ सामान बनाएगा या कोई सर्विस देगा. ठीक है, अब चलते हैं आगे इसके. ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या है आपका, डिस्कवरी. आप कुछ ना कुछ नया आइडिया या कुछ थॉट डिस्कवर करते हैं और उसी से क्या होता है आपका, ये स्टेप शुरू होता है.
ठीक है, इट बिगन्स विद द आइडिया। कोई आपके पास आइडिया है कि मुझे क्या करना है, मुझे कोई पेन बनाना है, कोई कार बनानी है, मुझे कोई मशीनरी बनानी है, मोबाइल बनाना है, ऐसा कोई आपके पास आइडिया होगा जिसको आप आइडेंटिफाई करेंगे, है ना, और फिर क्या करेंगे आप उसका इवेल्यूएशन कि क्या ये आइडिया है, क्या ये पॉसिबल है। मैंने कहा गायब होने का एक मशीन बनाऊंगा तो क्या वो पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं है तो बात ही खत्म हो गई, है ना। अगर पॉसिबल है तो आगे सोचेंगे, ठीक है। तो यू आइडेंटिफाई समथिंग इन द मार्केट एंड यू प्लान टू डू समथिंग अबाउट इट बाई हैविंग एन आइडिया। आप कुछ ना कुछ नया सोचते हैं और सोचते हैं मैं इसका ये वाला काम करूँगा तो मेरा बिजनेस सक्सेसफुल हो जाएगा। तो ये आपकी फर्स्ट स्टेज थी, अब चलेंगे सेकेंड स्टेज पे। ये हमारी सेकेंड स्टेज है, डेवलपिंग अ बिजनेस प्लान। आइडिया होना बहुत इम्पोर्टेंट है लेकिन एक प्लान भी उसको हमें चाहिए डेवलप करने के लिए। सबके पास आइडिया होता है, अगर बात करेंगे आइडिया की तो पूरे वर्ल्ड में सबके पास कोई ना कोई आइडिया है, लेकिन उसको डेवलप करना, उसके ऊपर आगे काम करना कि उससे बिजनेस कैसे किया जाए, उससे प्रॉफिट कैसे कमाया जाए, ये सबके बस की बात नहीं होती, या इतना टाइम, एफर्ट या मनी सबके पास नहीं होती। देयरफॉर इट इज़ वेरी क्रिटिकल, ठीक है, डेवलपिंग एन आइडिया इज़ वेरी क्रिटिकल, वरना उसके बिना तो सभी लोग एंटरप्रेन्योर बन जाएंगे। इट इज़ वेरी क्रिटिकल, आपका सबसे ज़रूरी पार्ट है उसको, आइडिया को कैसे इम्प्लीमेंट करें और कैसे उससे प्रॉफिट कमाएं, है ना। अगर आपने कोई प्लान बना लिया व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू एंड हु इज टू डू इट, देन यू कैन बी अ सक्सेस इन योर बिजनेस, ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, कुछ ना कुछ आपको टाइम देना पड़ेगा, यू हैव टू हैव सम टाइम फॉर दैट। उसके बाद क्या है आपका, कुछ ना कुछ मिशन होना चाहिए कि मैं जो बिजनेस कर रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ, क्या मिलेगा, किसके बेनिफिट होगा इससे, विजन कैसे करूँगा, भविष्य में क्या चैलेंजेस आएंगे मेरे सामने इसके लिए, व्हाट कैन बी द चैलेंजेस, व्हाट वुड बी माई गोल्स, मेरे गोल्स क्या होंगे, है ना। हाउ मच कैपिटल इज रिक्वायर्ड, मेरा पर्पज़ है एक एरोप्लेन बनाने का और मेरे पास 2 लाख रुपए हैं तो पॉसिबल, वो भी बहुत मुश्किल से लगता है ना। इसीलिए क्या है आपको, ये सब पहले से प्लानिंग करनी पड़ेगी कि क्या मेरे पास इतना टाइम है, मनी है, रिसोर्सेज है, क्या वो पॉसिबल है करना, और करूँगा तो मैं कैसे करूँगा, हाउ टू डू इट, व्हेन टू डू इट, हू इज टू डू इट, ठीक है। ये सारी बातें जब हम करेंगे तो हम बात कर रहे हैं डेवलपिंग द बिजनेस प्लान की, ठीक है। अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट पे, थर्ड पॉइंट है रिसोर्सिंग, ठीक है। जो हम काम करने जा रहे हैं, जो प्लान बनाया है, उसके लिए रिसोर्सेज कहाँ से आएंगी। रिसोर्सेज में क्या आएगा आपका, 4M, मैन जो काम करेंगे, मटेरियल से आपके ऊपर हम काम करेंगे, मशीनरी और मनी, ये 4 रिसोर्सेज आपको कंपलसरी है। ये आप कहाँ से लाएंगे, कैसे लाएंगे, कैसे इनको आप अपने पास कलेक्ट करेंगे, कैसे इनकी ग्रुपिंग करेंगे, ये सारा इसमें आता है रिसोर्सिंग के अंदर, ठीक है। एक बार पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। विद इन द एंटरप्रेन्योर आइडेंटिफाई द सोर्सेज, सोर्सेज का मतलब क्या है, वो कहाँ से सवाल लाएगा, है ना। वेयर द फाइनेंस यानी कि मनी, ह्यूमन यानी कि मैन, दे कैन बी अरेंज, है ना, और मशीनरी और मटेरियल तो बताया मैंने आपको, वो भी कंपलसरी है। जब तक ये 4 चीज़ें नहीं होंगी यू कैन नॉट डू बिजनेस एक्टिविटी। बिजनेस एक्टिविटी के लिए मैन, मटेरियल, मशीनरी और मनी सभी कंपलसरी है। इसीलिए रिसोर्सिंग के अंदर हम इन 4ों के बारे में बात करते हैं कि कहाँ कहाँ से हम इन सामानों को लेंगे, व्हाट इज़ द सोर्सेज, है ना। नेक्स्ट है मैनेजिंग द कंपनी। आपने 4 लोगों को इकट्ठा कर लिया या आपने 4 रिसोर्सेज इकट्ठी कर ली तो क्या वो खुद से काम करेंगी। आपने मशीनरी ला के रख दी, लेबर ला के लगा दिए, है ना, पैसे दे दिए काम करने के लिए। अगर ऐसा पॉसिबल हो जाए तो वर्ल्ड कितना अच्छा हो जाए, है ना। ऐसा नहीं होता, मशीन खुद से काम नहीं करती, लेबर को डायरेक्ट करना पड़ता है, सुपरवाइज करना पड़ता है, कोऑर्डिनेट करना पड़ता है ना। और मनी को भी क्या है, बार बार अरेंज करना होता है, मनी आएगी आपके पास, इनको इन्वेस्ट करोगे, उसके बाद अर्निंग करोगे, फिर री इन्वेस्ट करोगे, तो ये प्रोसेस चलता रहता है आपका। तो आपको जितने भी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो मैन हो, मटेरियल हो, मशीनरी हो या मनी हो, आपको 4ों को मैनेज करना है। ऐसा नहीं है कि आपको मनी को मैनेज नहीं करना, यू हैव टू मैनेज इवन द मनी, इट इज़ कॉल्ड मनी मैनेजमेंट, है ना। तो आपको 4ों रिसोर्सेज को मैनेज करना भी आना चाहिए। अगर आप इनको रिसोर्सेज को मैनेज नहीं कर पाएंगे तो आप अपना बिजनेस नहीं चला पाएंगे। कहीं भी एक जगह आप लूज हो गए या आपने ढील दे दी, यू विल नॉट बी एबल टू अर्न एनीथिंग, ठीक है।
तो क्या करना है आपको, इन चारों के ऊपर एक कंट्रोल रखना है, मैनेज करना है, जो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे मैनेजिंग कैसे होती है ना। तो फर्स्ट हेयर यू हैव टू मैनेज ऑल द फोर रिसोर्सेज, बी इट मैन, बी इट मटेरियल, बी इट मनी और बी इट मशीनरी। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आइडेंटिफाई द मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, क्या होगा हायरार्की, क्या होगी, बॉस कौन होगा, जूनियर कौन होगा। ठीक है, ऐसे ही आपको मशीनरी का भी स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, मशीनरी कहाँ लगानी है, उसके बाद मनी को कौन यूज करेगा, किसके पास कितने पैसे होंगे, उसकी पावर क्या होगी, ये सारी आपको रखनी पड़ेंगी। और जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी आपको उसका सॉल्यूशन करना होगा, वरना बिजनेस आपका बंद हो जाएगा। यू हैव टू ऑलवेज मैनेज द प्रॉब्लम्स व्हेन दे अराइज, है ना, जो प्रॉब्लम आएंगी उनको आपको मैनेज करना होगा। दिस इज द फाइनल स्टेप, हार्वेस्टिंग। आपने सारे एफर्ट कर लिए, आइडिया डिस्कवर कर लिया, उसका बिजनेस प्लान बना लिया आपने, रिसोर्सेज को आपने क्या किया, कलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपने मैनेजिंग कर ली, लास्ट क्या रह गया आपका, हार्वेस्टिंग करना, मतलब जो आपने एफर्ट किए हैं उससे क्या मिला, प्रोडक्शन हुआ नहीं हुआ, प्रोडक्शन प्रॉफिट कमाया या नहीं कमाया, प्रॉफिट कमाने के बाद ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही, क्या प्रॉब्लम रास्ते में आ रही है, कैसे इसको एक्सटेंड करेंगे, कैसे कंपटीटर को ओवरकम करेंगे, ये सारी बातें आएंगी आपके हार्वेस्टिंग में। इसका मतलब साफ साफ है, जो आपने प्लान बनाया था क्या वो सक्सेस हुआ या नहीं हुआ, और सक्सेस हुआ तो उसको और आगे कैसे ले जाएं, और रीच कैसे बढ़ाएं, और प्रॉफिट कैसे बढ़ाएं, ग्रोथ कैसे लेके आएं, क्योंकि तो रुकना क्या है, हमारा एम नहीं होता, वी हैव टू ऑलवेज ग्रो, वी हैव टू ग्रो कॉन्स्टेंटली। ठीक है, तो हार्वेस्टिंग में हम ये काम करते हैं कि अपने ग्रोथ के बारे में बात करते हैं, अपने डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं, जो हमारा बिजनेस है क्या वो ग्रो हुआ, क्या उसमें डेवलप हुआ, फ्यूचर में क्या करना है हमारे को उसके बारे में, है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि आगे जो प्रोस्पेक्ट हैं हमारे कैसे हैं, बिजनेस के जो प्रोस्पेक्ट ऑफ बिजनेस है आगे वो कैसे हैं, आगे ज़्यादा स्कोप है या नहीं है, या बिजनेस बंद कर देना है अभी, ये सारी बात करनी है। और स्टेबिलिटी, ये नहीं कि आपने एक महीने कमा लिया 10 लाख रुपए, अगले महीने आप खाली बैठे हैं, है ना। तो आपकी अर्निंग में, सेल्स में स्टेबिलिटी आनी चाहिए, और उसके बाद एक्सपेंशन भी आपका होना चाहिए। स्टेबल का मतलब ये नहीं कि हमें 10 लाख पेन बेच दिए तो बहुत काफ़ी हो गया, अगर 10 बेचे हैं तो 11, 11 के बाद 12, ये आपका नंबर ग्रो करना चाहिए, क्योंकि तो जो बिजनेस ग्रो करना बंद कर देता है तो उसका डिके शुरू हो जाता है, यानी कि अब वो फॉल करना शुरू कर देगा। तो क्या करना है हमारे को, हमेशा प्लानिंग भी करनी है अपनी ग्रोथ की। ठीक है, और ये प्रोसेस क्या है आपका, चलता रहता है, हमेशा चलता रहता है, लिखा हुआ है आपका, प्रोसेस इज फॉलोड अगेन एंड अगेन, बार बार ये करते रहेंगे, एक बार नहीं बार बार। ठीक है, ये नहीं कि आपने बिजनेस बना दिया, प्रॉफिट कमा लिया, एक साल हो गया, चलो बढ़िया है, बैठते हैं आराम से, ऐसा नहीं है। यू हैव टू कॉन्स्टेंटली प्लान, यू हैव टू कॉन्स्टेंटली डिस्कवर, यू हैव टू कॉन्स्टेंटली हैव द रिसोर्सेज, देन मैनेजिंग दैम एंड अगेन हार्वेस्टिंग। तो ये जो स्टेप है ये एक बिजनेस का स्टेप है, लेकिन ये हर साल बार बार लगातार फॉलो होता है, यानी कि आपने एक बार फॉलो कर लिया तो आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो गया। तो मैं एक बार फिर से ब्रीफ में जो हमारे पांचों स्टेप थे रिवाइज करता हूँ। सबसे पहले डिस्कवरिंग और हैविंग एन आइडिया या आइडिया जनरेशन, ये पहली स्टेज है आपकी, आप इसमें एक आइडिया जनरेट करते हैं। ठीक है, ये आइडिया आप जनरेट करेंगे, उस आइडिया को क्या करना है फिर आपको फ्यूचर में यूज़ करना है, खाली आइडिया जनरेट करके बैठ नहीं जाना है, कुछ ना कुछ आपको उसका इस्तेमाल भी करना है, कोई प्लान भी बनाना है बिजनेस का, ताकि आप उससे कुछ प्रॉफिट कमा सकें, वरना आइडिया जनरेट करने वाले तो बहुत लोग दुनिया में हैं जो कि आपके काम आ सकते हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना आइडिया को वो ज़्यादा ज़रूरी है। फिर से हम वहीं आ गए वापस। ठीक है, सो फर्स्ट इज़ डेवलपिंग डिस्कवरी और आइडिया जनरेशन, इसको आइडिया जनरेशन भी बोलते हैं। सेकंड है डेवलपिंग अ बिजनेस प्लान, कि आपने उस आइडिया के ऊपर काम किया और काम करने के बाद आपने सोचा कि मैं उससे प्रॉफिट कैसे कमाऊँगा, मैं वो प्रोडक्शन कैसे करूँगा, मैं सर्विस कैसे प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, और कहाँ मैं प्लांट लगाऊँगा, मेरी लोकेशन क्या होगी, मेरा साइज़ क्या होगा बिजनेस का, और मेरा प्रॉफिट का कितना एम है, वो हम बात करेंगे डेवलपिंग का बिजनेस प्लान के अंदर। फिर हम चलेंगे रिसोर्सिंग के अंदर, रिसोर्सिंग में क्या होगा आपका, रिसोर्सिंग में क्या होगा आपका, कि आपको 4M, मैन, मटेरियल, मशीनरी और मनी, इन्हें कलेक्ट करना है, और इन्हें कलेक्ट करके बाद में इनको मैनेज करना है ना। यानी कि हमने रिसोर्सेज कलेक्ट कर ली और मैनेजमेंट नहीं किया, देयरफॉर मैनेजमेंट इज़ द मोस्ट इसेंशियल पार्ट, फर्स्ट इज प्लानिंग देन मैनेजमेंट, पहले प्लान करना और फिर प्लान के अकॉर्डिंग मैनेज करना, कंट्रोल करना, ये सारा क्या है आपका प्रोसेस है, किसका,
एंटरप्रेन्योरशिप का, और लास्ट में जब सफल हो गया तो ये नहीं कि हमारा द एंड हो गया, ये एंड नहीं है आपका, है ना, दिस इज नॉट द एंड, यू हैव टू स्टार्ट अगेन, द प्रोसेस इज कंटिन्यूअस। तो आपको हार्वेस्टिंग के बाद या जब आपने प्रॉफिट कमा लिया, फिर दोबारा से उसके ऊपर काम करना है, दोबारा से स्टेप फॉलो करने हैं। इतना ही था लेक्चर के अंदर, थैंक यू वेरी मच।